गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोइनू किड्स अकेडमी सेकेंडरी स्कूल नीम का थाना। माई सेल्फ कृष्णा शर्मा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिड द रीडिंग ऑफ द सेकेंड चैप्टर। टूडे वी विल एक्सप्लेन द हिंदी मीनिंग ऑफ सेकेंड चैप्टर। यस्टरडे वी सा दीज पिक्चर। वी रीड द नेम्स ऑफ द दीज योगास। हमने प्रीवियस वीडियो में इन योग जितने भी योग हैं, ये योगासन हैं, इनके हमने नेम रीड किए थे, अंडरस्टूड किए थे। फर्स्ट क्या था? चक्रासन, सेकंड श्रृंगासन, हलासन, ऊर्ध्वमुख स्वनासन। नेक्स्ट हमने ये जो तीन क्वेश्चंस गिवन थे, इनका भी हमने सॉल्यूशन देखा। कैन यू नेम दिस योगासन? तो नेम मैंने आपको बता दिए थे। विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली? आप इनमें से कोई भी जो भी योग है वो आप प्रेयर असेंबली में करते हो या नहीं करते, वो आपको अपने अकॉर्डिंग नेम राइट करना है। विच चेंज हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन? योगासन करने के आफ्टर आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? तो क्या चेंजेस आते हैं? आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन आई फील माई बॉडी मोर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। जब हम योग करते हैं तो आप करके देखना, आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही एक्टिव फील करेगी और स्ट्रांगली फील करेगी। ओके, अब इसमें आपको क्या बोल रहा है कि जो वर्ड मीनिंग्स हैं, पहले हम उसको मैं उसको आपको अंडरस्टूड करवा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू वंस इन दिस वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग्स आप अंडरस्टूड कर लो पहले। ये चैप्टर जो है वो योगासन के बारे में बता रहा है, प्राणायाम के बारे में बता रहा है कि कितना आपके लिए बेनिफिशियल है ये। फर्स्ट है प्लीजेंट। फर्स्ट क्या है? प्लीजेंट मीन्स सुहावना, ट्रैक दौड़ने का मार्ग, पॉज मुद्रा, वंडर जानने को उत्सुक या आश्चर्यचकित होना, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा या उत्सुकता, एक्सटेंशन विस्तार। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड मीन्स कम करना, प्रेफरेबली प्राथमिकता के साथ, सिक मीन्स मांगना, क्लैमली शांतिपूर्वक, स्लाइटली थोड़ा सा, कंफर्टेबली आराम से। ये इसके सामने आपको इसके सिनोनिम्स दिए हैं, उनको भी आपको लर्न करना है। ये वर्ड मीनिंग्स मैंने खुद ने राइट की है, मतलब मैंने खुद ने बनाई है, तो उसमें तो ग्लॉसरी में कम वर्ड मीनिंग्स आपको गिवन थी, तो ये एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग्स ये भी आपको अपने नोटबुक में क्या करना है, राइट करना है और लर्न भी करना है। फर्स्ट है पार्क मीन्स उपवन या उद्यान, इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश, समबड़ी कोई, कंट्रोल नियंत्रण, प्रैक्टिसिंग अभ्यास करना, ब्रीथिंग रेट सांस लेने की गति, हार्ट रेट हृदय गति हृदय, ब्लड प्रेशर रक्तचाप, रिलैक्स तनाव मुक्त करना, इंक्रीज वृद्धि करना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आयु, एमपीटी का मीन्स खाली स्टमक, पेट गैप अंतराल। नेक्स्ट मील भोजन जॉइंट में शामिल हो गए, गॉट इंटरेस्टेड रुचि उत्पन्न हो गई, परमिशन इजाजत, लिस्टिंग सूचीकरण, स्टेप्स तरीके, ग्रुप समूह, मैट चटाई, क्लॉज बंद करना, लेफ्ट बायां, एंकल टखना, पांव का टखना होता है, राइट दायां, थाई मिस जांग, पॉस्चर अवस्था इस कॉल्ड कही जाती है, वरी परेशान होना। इन द बिगनिंग आरंभ में, स्टार्टिंग में, टू सेट इन दिस पॉज इस अवस्था में बैठना, लर्न सीखना, नॉस्ट्रल नासिका या छिद्र, थंब अंगूठा, लंग्स फेफड़े, प्रोसेस प्रक्रिया, होल्ड रोकना, कंफर्टेबली आराम से, रिलीज स्वतंत्र करना, रिंग फिंगर अनामिका अंगुली, राउंड्स बारी, थैंक्ड आभार प्रदर्शित करना, डिसाइडेड निश्चय किया, अटेंड उपस्थित होना। ये जो वर्ड मीनिंग्स है वो आपको लर्न भी करनी है और आपको जो चैप्टर समझने में आपकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इट्स हिंदी मीनिंग टू यू। डू यू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग इन हिंदी वेरी वेल? ओके, मैं आपको
इस चैप्टर की हिंदी मीनिंग्स मतलब जो हिंदी में इसका जो चैप्टर है वो मैं आपको अंडरस्टूड करवा रही हूँ। अगर आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है, शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। जो शिवम और नितिन हैं वो क्लास फिफ्थ के क्या हैं, स्टूडेंट हैं। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट हैं। एक दिन वन डे दे गॉट अप अर्ली, एक दिन वे क्या उठे, जल्दी उठे। इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग, एक बहुत ही सुहावनी सुबह थी, जैसे जब हवा वगैरह चल रही है तो बहुत ही प्लीजेंट मॉर्निंग थी, सुहावनी। दे वेंट टू ए पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वे कहाँ गए सुबह कहाँ गए, वॉक करने गए, घूमने के लिए गए, कहाँ पे, एक पार्क में। दे सा मैनी पीपल इन द पार्क, उन्होंने क्या देखा कि पार्क में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे उन्होंने लोगों को देखा। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क, उनमें से कुछ क्या कर रहे थे, जो पार्क है उसके चारों ओर जो ट्रैक बना हुआ था, आप खुद देखते हो ट्रैक बने हुए रहते हैं पार्क में, उसमें क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, मार्ग पर दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क, पार्क के बीचों बीच। सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पॉजेस, उनमें से कुछ लोग क्या कर रहे थे, मतलब पार्क के बीचों बीच बैठे थे, और कुछ लोग तो बैठे हुए थे और विभिन्न पॉजेज में बैठे हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट पॉज में, क्योंकि वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, योग कर रहे थे। शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग, शिवम वंडर्ड हुआ, शिवम आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हो गया और सोचने लगा कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पूर्वक। बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम, दोनों फ्रेंड्स उनके पास गए। देयर वॉज ए योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर्स, वो कौन थे, वो क्या थे, एक योगा टीचर थे वहाँ पे, जो दूसरों को क्या दे रहे थे, दिशा निर्देश दे रहे थे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, दिशा निर्देश। ही सेड, उन्होंने मतलब वो कह रहे थे, उन्होंने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लास। क्या बोला उन्होंने, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों, आइए आज की योगा कक्षा में हम प्राणायाम सीखें। आज क्या सीखने वाले थे, वो प्राणायाम। व्हाट इज प्राणायाम, समबडी आस्क, किसी ने पूछा कि प्राणायाम क्या होता है, किसी ने पूछा, समबडी आस्क्ड। आई होप आपको ये जो पैराग्राफ है उसका हिंदी मीन्स अच्छे से अंडरस्टूड हो गया। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, प्राणायाम क्या है, सांस को नियंत्रित करने और विस्तार करना होता है, सांस को कंट्रोल करना और सांस को ज़्यादा देर तक अपने पास लिए रखना होता है, एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, अपनी सांस को एक्सटेंड करना। बाय प्रैक्टिसिंग इट, हम इसके अभ्यास से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट, हम हमारे सांस की गति को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। रिड्यूस ब्रीथिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, जो सांस की गति हम कम कर सकते हैं उसके बहुत सारे क्या हैं, बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं। इट स्लोस डाउन हार्ट रेट, ये क्या करती है, हमारी जो हृदय की गति होती है उसको क्या करती है, धीमा कर देती है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, आपने देखा होगा कई लोगों के बीपी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो वो जो बीपी है वो क्या हो जाता है, मतलब नॉर्मल पे आ जाता है, कम कर देता है ब्लड प्रेशर को। रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, ये है हमारे मस्तिष्क, बॉडी माइंड को क्या बोलते हैं, मस्तिष्क, और बॉडी का मीन्स क्या होता है, शरीर को क्या रखता है, तनाव मुक्त रखता है, रिलैक्स करता है। प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये हमारी आयु को क्या करता है, प्राणायाम हमारी आयु को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, मतलब प्राणायाम हमें कब करना चाहिए, सुबह खाली पेट प्राणायाम करना चाहिए, कुछ खाना खाने के बाद में प्राणायाम नहीं करना चाहिए।
pranayam should be done on an empty stomach, preferably in the morning. और हमें ये कब करना चाहिए? सुबह के समय करना चाहिए प्राणायाम. खाली पेट किया जाना चाहिए और अधिक अच्छा रहेगा यदि इसे कब किया जाए, मॉर्निंग में किया जाए. सुबह सुबह अगर प्राणायाम किया जाए तो वो बहुत ही बेस्ट रहता है. यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग. आप इसे कब कर सकते हो? आप इसे शाम को भी कर सकते हो, इवनिंग में भी कर सकते हो. बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील. लास्ट मील के बाद में कितना टाइम आपको छोड़ना चाहिए? 4 hours के बाद में आपको क्या करना चाहिए? इवनिंग में आप कर सकते हो, उससे 4 घंटे पहले आप कुछ नहीं खाए हुए होना चाहिए. तो आप प्राणायाम कर सकते हो, आप योग कर सकते हो. शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड. शिवम और नितिन क्या हुए, उनको रुचि उत्पन्न हो गई और उन्होंने क्या किया, ज्वाइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर. और योगा टीचर से क्या मांगी, परमिशन मांगी. इजाज़त मांगने के बाद वे भी उस ग्रुप में क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, शामिल हो गए. ओके, नेक्स्ट. शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर. शिवम और नितिन ने बहुत इंटरेस्ट आया उनको ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में, आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द मतलब बहुत ही उनको रुचि उत्पन्न हो गई तथा योग शिक्षक से उन्होंने इजाज़त भी ली और उस ग्रुप में उन्होंने क्या लिया, ग्रुप में क्या हुए, शामिल हो गए. द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम. अब टीचर ने क्या किया, स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, प्राणायाम की फर्स्ट स्टेप करना स्टार्ट किया. आपको यहाँ तक अंडरस्टूड करना है इस चैप्टर को. आफ्टर देन हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे. ओके, ये स्टेप्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. टुडे यू हैव टू राइट दिस वर्ड मीनिंग इन नोटबुक. ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है. एंड रिवाइज हिंदी मीनिंग. जो हिंदी मीनिंग्स मैंने आपको अंडरस्टूड करवाया है उसको भी क्या करना है, रिवाइज करना है. यहाँ पे मैंने ये सब राइट कर दिया. टुडे यू हैव टू डू वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक एंड द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर इज टू बी अंडरस्टूड वेल.